बुलंदशहर के नया गांव ख्वाजपुर में हलवाई की दुकान में चोरी। रात्रि में बेखौफ चोरों ने हलवाई की दुकान की कुंडी तोड़ की चोरी। हलवाई की दुकान में रखे 5 सिलेंडर, कढ़ाई और गल्ले में रखे 10,000 रुपए भी चुरा ले गए चोर। मौके पर पहुंचे पुलिस गांव के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। रचना के पति का कुछ साल पहले एक्सीडेंट से दिमाग हो चुका है फेल। रचना का नहीं है कोई सहारा। नया गांव ख्वाजपुर में किराए के मकान में रहकर खुद चला रही थी जेश मिष्ठान भंडार। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव ख्वाजपुर का मामला। आलम टाइगर के साथ दिलशाद अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रचना, क्या हुआ है आपकी दुकान में? चोरी हो गई थी हमारे, मैंने चलना दिया था इनको पानी पीने के लिए, पीने खाने वाले तो उन्होंने देख लंगा मैं तुम्हें ये धमकी देकर गया एक दिन पहले ऐसे, तो मैं कि चलो कोई ऐसे को चोरी करे फिर हमें चोरी कर दे। काय की दुकान है आपकी? हलवाई भलवाई की, चाय बनाऊँ जो भी सौदा कुछ भी बना लूँ, खीरी समोसा। तो क्या क्या सामान चुरा है आपका? हमारे सिलेंडर है 5, 2 कढ़ाइया, 10,000 रुपया। पुलिस आई थी? पुलिस आई है, छानबीन कर रहे हैं कि वहाँ जाओ अपनी एप्लीकेशन करवाओ वाजी पुलिस चौकी। महिपाल जी, क्या हुआ है? हलवाई की दुकान है आपकी बेटी की? हलवाई की दुकान है, हमने सो आगे देखा तो सारी चीज़ें ले मिले थे, तो उसे उसे 5 सिलेंडर निकल गए, चूल्हा गए सिलेंडर ये, और कपड़े में कसहरा करते थे लड़की के किस्त के, वो चोरी हो गई। तो पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या कह दिया पुलिस ने? पुलिस ने आई है, पुलिस ने कहा कि लिख कर लेकर और नाम दर्ज रिपोर्ट कर दिए लड़की ने, जो जो इसके साथ वादा करे बच्चा निकल गया। ठीक है।